एससी के साथ थिंक टैंक जीके में आपका स्वागत है। जीके प्रश्न और उत्तर महिला सशक्तिकरण पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है? सही उत्तर है बालिका का जन्म प्रमाण पत्र एवं फोटो। कामकाजी महिला को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सही उत्तर है कामकाजी महिला छात्रावास। महिला किस माध्यम से योजना में भाग ले सकती है? सही उत्तर है वेबसाइट के माध्यम से। स्टेप का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने समूहों में बांटा गया है? सही उत्तर है 3। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में समूहों के नाम है सही उत्तर है प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक। वन स्टॉप योजना महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। सही उत्तर है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा से निपटने के लिए। वन स्टॉप योजना के लाभार्थी कौन है? सही उत्तर है भारत की लड़कियों सहित सभी महिलाएं हिंसा से प्रभावित। महिला शक्ति केंद्र के अंतर्गत किन महिलाओं को लक्षित किया जाता है? सही उत्तर है ग्रामीण महिलाएं। राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है कामकाजी माताओं के बच्चों के डे केयर सुविधाएं प्रदान करना।
कामकाजी महिला छात्रावास के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? सही उत्तर है नियोक्ता से एक प्रमाण पत्र। वन स्टॉप सेंटर योजना का वित्त पोषण स्रोत निम्नलिखित के माध्यम से किया जाता है। सही उत्तर है इसे निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। कामकाजी महिलाओं को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं छात्रावास में शामिल है। सही उत्तर है नए छात्रावास एवं विस्तार से निर्माण हेतु अनुदान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में पंजीकरण हेतु फॉर्म कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं? सही उत्तर है बैंकों और डाकघर से। महिला हेल्पलाइन नंबर पर महिला किस माध्यम से त्वरित सहायता के लिए संपर्क कर सकती है? सही उत्तर है टेलीफोन और इंटरनेट। महिला ई हार्ट योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए और अपने उत्पादों को प्रस्तुत करने के लिए। एमपी में बेटी बचाओ अभियान कब शुरू किया गया? सही उत्तर है 2007। लाडली लक्ष्मी योजना क्या है? सही उत्तर है एक सशस्त्र धन हस्तांतरण योजना। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई है? सही उत्तर है 22 जनवरी 2015। कामकाजी महिला छात्रावास में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं शामिल है। सही उत्तर है नए छात्रावास एवं विस्तार के निर्माण हेतु अनुदान। कामकाजी महिला छात्रावास योजना का लाभार्थी कौन हो सकता है? सही उत्तर है कोई भी कामकाजी महिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में द्वितीयंक
समूह का को किस पर है? सही उत्तर है चिकित्सा बिरादरी और युवा लोग ससुराल वाले। टोल फ्री नंबर क्या है महिला हेल्पलाइन नंबर का? सही उत्तर है 181। महिला हेल्पलाइन योजना के माध्यम से किस प्रकार का अज्ञान प्रदान किया जा रहा है? सही उत्तर है महिला सशक्तिकरण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 2011 में भारत में 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं का लिंगानुपात कितना था? सही उत्तर है प्रति 100 लड़कियों पर 918 लड़कियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही उत्तर है साक्षी मल्लिक।